हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब केंद्र सरकार की ओर से आंकड़ों के साथ राहुल गांधी को जवाब दिया गया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि इस महीने वैक्सीन के 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को इस बात की जानकारी 15 दिन पहले दी जा चुकी है और इसके अलावा अगले 3 दिनों में राज्यों को 44,90,000 टीके मिल जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 33,63,00,000 से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दिया गया है और वैक्सीन की बर्बादी को मिलाकर अब तक 33,73,00,000 से ज्यादा टीके देश में कंज्यूम किए जा चुके हैं। अब हम आपको इंडिया का वैक्सीन मीटर भी दिखाते हैं। देश में अब तक 33,49,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसमें से 27,58,00,000 से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है और 5,90,00,000 से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। अब दिल्ली में वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स आई है तो वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं उनका नंबर कब आएगा। देखिए मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर से संवाददाता अतुल सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार के दिन मुंबई में वैक्सीन की किल्लत की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे, वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, तो आज दोबारा से वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। लेकिन जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हो बेहद परेशान है क्योंकि सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है और आज भी मुंबई में कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है क्योंकि आज जो वैक्सीनेशन का समय रखा गया है वो दोपहर 2 से 5 का रखा गया है जो आम दिनों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होता था। और ऐसे में हम मुंबई के नेस्को ग्राउंड जो मुंबई के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है उसके बाहर खड़े हैं। आप देखिए लोग यहाँ पर सुबह से ही लाइन में खड़े हो गए हैं। जो करीबन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं सुबह 6 बजे से ही आके लाइन में लगे हैं लेकिन लोगों को 80 लोगों को अंदर ले लिया गया है और अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन के लिए और लोगों के लिए डोज नहीं अवेलेबल है और दरवाज़ा जो गेट है वो बंद कर दिया गया। आपको ये भी दिखा दे, देखिए यहाँ कहीं भी डोज खत्म हो गई है या क्या उसकी जो है लिमिटेशन है, कितने डोज अवेलेबल है, उसका कोई भी नोटिस यहाँ पर चिपकाया नहीं गया है। लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरीके का नोटिस यहाँ पर कुछ किसी तरीके का पैम्फलेट लगा देते तो शायद उन लोगों को जानकारी हो जाती जो सुबह 6 बजे से लोग यहाँ परेशान होने के लिए लाइन में खड़े हैं, उन्हें नंबर दिए जा रहे हैं वो उनको नहीं करना पड़ता, इतना देर इंतजार नहीं करना पड़ता। चिलचिलाती धूप है, बेहद गर्मी है इस समय मुंबई में, बारिश नहीं हो रही है और बुजुर्ग लोग जो हैं इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, घंटों यहां पर बैठना पड़ जा रहा है इंतजार करने के बाद और किसी को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। हाय, आई एम सुरभी शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।